अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कुछ मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो चलिए चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 68। द फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक कंपास। अ कंपास इज अ सिंपल डिवाइस यूज बाय द पायलट्स एंड नेविगेटर्स टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच देयर एरोप्लेन और शिप इज मूविंग। It consists of a flat circular aluminium box at the base of which are made directions like north, south, east, west, northeast, northwest, etc. मैग्नेटिक कंपास एक इस तरह की डिवाइस, एक इस तरह का आला है जो पायलट और नेविगेटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी सिमतों को ढूंढने के लिए। उन्होंने ये पता करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या जो उनकी मंजिल का जो रास्ता है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो ये सब मालूम करने के लिए मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बनी होती है। ये एक फ्लैट स्मूथ जो है वो सर्कुलर एल्युमिनियम का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस मार्क की होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एट्सेट्रा। देन फ्रॉम इट सेंटर अराइजेस अ शार्प नीडल over which are placed a magnetic needle. The magnetic needle completely free to move in any direction always rest in the north-south direction. By looking at the north pole of the magnetic needle we can find the given direction. आप ये वो इस कंपास का आपको बता रहे हैं कि इसके सेंटर में एक बड़ी शार्प नीडल लगी होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट जो है उस नीडल के साथ अटैच हुआ होता है। जैसे ही मैग्नेटिक नीडल जो है वो उसको हम मूव करवाने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली वो फ्री टू मूव होती है। उसको हम कोई स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्शन नहीं देते, वो किसी भी डायरेक्शन में खुद ब खुद मूव कर जाती है। लेकिन वो हमेशा रेस्ट कहाँ करेगी, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। हमने पहले भी देखा कि मैग्नेट जो है वो काम करता है नॉर्थ थ्रू साउथ, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ अपनी डायरेक्शन रखेगा। इस तरह मैग्नेटिक नीडल भी उस नीडल को कहाँ लेकर जाएगी, ऑलवेज टू द नॉर्थ। और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें नॉर्थ का पता चल गया तो बाकी साइड्स हम उसके हिसाब से खुद ब खुद जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। देयर इज़ एन एक्टिविटी टू मेक योर ओन कंपास। टेक अ मैग्नेटिक नीडल एंड विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप स्टिक इट टू द मैथ स्टिक। यहाँ पे बेटा आपको एक एक्टिविटी बताई है कि आपने एक मैग्नेटिक नीडल लेनी है, उसको किसी मैथ स्टिक जैसे कि माचिस की तीली उसके ऊपर आपने सेलो टेप से अटैच कर देना है। फ्लोट इट इन द बोल ऑफ वाटर, फिर आप उसको पानी में फ्लोट करने दें। एक पानी आपने बाउल जो है वो पानी का लिया है, उसके अंदर आप वो मैग्नेटिक नीडल और वो स्टिक जो है उसको फ्लोट करने देंगे। When it comes to rest, find out the north direction. Apply a little red paint on the end of the needle pointing to north. Your compass is now ready. Take it to different places and check whether it always points to north or not. यहाँ पे वो आपको ये बता रहे हैं कि आपने एक पानी का बोल लेना है, उसके अंदर आपने मैग्नेटिक नीडल जिसको आपने मैथ स्टिक के साथ अटैच किया है उसमें फ्लोट करने देना है, और यहाँ पे आप उसकी डायरेक्शन देखें कि वो नॉर्थ की तरफ क्या आपने आपको डायरेक्ट करेगी। अगर आपको नॉर्थ की डायरेक्शन उसकी पता चल गई, उसके ऊपर एक रेड कलर का जो है वो आप मार्क कर लें, उस रेड मार्क करने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन आ गई है। देन आप उस बोल को लेकर डिफरेंट प्लेसेस पर जाएं और उसको रख कर देखें कि क्या हमेशा वो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन दिखा रहा है या नहीं। सो दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट। वॉकिंग ऑन अ मैग्नेटिक कंपास, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू नो द यूज़ ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। एक एक्टिविटी करते हैं, उसमें मैग्नेटिक कंपास का जो यूज़ है वो देखेंगे हम किस तरह करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू नो डायरेक्शन एट एनी प्लेस वी विल यूज़ द मैग्नेटिक कंपास इन द फॉलोइंग वेज। अगर हमने डायरेक्शन जो है वो किसी भी जगह की देखनी है तो मैग्नेटिक कंपास को हम किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पुट अ मैग्नेटिक कंपास ऑन अ ग्राउंड और ऑन अ टेबल और एनी अदर प्लेस। मैग्नेटिक कंपास को एक ग्राउंड पे, एक टेबल पे या किसी भी जगह पे फ्लैट सर्फेस पर रख दें। Be sure there is no other magnet or an object made of iron near this magnetic compass. ये इस बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट के पास कोई भी लोहे की या आयरन की कोई चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। The needle of the magnetic compass will stay along the north-south direction. Rotate the magnetic compass slowly until the north pole of the needle is aligned with the north direction of the magnetic compass. अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप मैग्नेटिक कंपास को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ पोल की तरफ इस तरह रोटेट करें कि उसकी नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो आपको पता चलना शुरू हो जाए। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।